स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर ऑटो वॉलपेपर को चेंज करेंगे, ये आपको बताने वाले हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग ऊपर करना है, ऊपर क्यूर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर वॉलपेपर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सेंटर पे आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉलपेपर सर्विस। इस पर क्लिक करेंगे, डायनेमिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पर अप्लाई करेंगे, अब लॉक करेंगे और चेक करेंगे डायनेमिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर सेटिंग। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डायनेमिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर कुछ ऐसा आपको खूबसूरत हमेशा कुछ खास आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जिसे आप चेंज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर से यहाँ पर रैम्बो, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये नाइस वॉलपेपर सेटिंग और यूज़ कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे फूड है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ऑन कर लेना है और चेंज हो जाएगा, तो ये भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा है, ये पहले था डायनेमिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। नेक्स्ट है ग्लैंस ऑन सैमसंग, अप्लाई करेंगे और यहाँ पर लॉक करेंगे और ग्लैंस ऑन सैमसंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्लैंस ऑन सैमसंग को, तो ये है ग्लैंस ऑन सैमसंग, प्ले कर देख लेते हैं प्ले होता है या नहीं। नो, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हटाते हैं इसको। और यहाँ से आप इसका चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सर्चिंग काफ़ी अच्छा ऑप्शन ग्लैंस ऑन सैमसंग एंड यूज़ कर सकते हैं इसे। काफ़ी लंबा वॉलपेपर से इसके अंदर जो यहाँ पर मिक्स वॉलपेपर आपको बिना विदाउट कैटेगरी आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर खुद का आपको फोटो लगाना हो तो इसमें देखते हैं ऑप्शन है या नहीं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको खुद का ऑटोमेटिक वॉलपेपर आपको चेंज कराओ, फोटो लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑटो वॉलपेपर पर खुद, इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है और सेट ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, यहाँ पर सेट ऑन लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे लॉक करेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पर लॉक करेंगे इस तरीके से और ये देखिए जो वॉलपेपर है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से वॉलपेपर को अप्लाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं वॉलपेपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने खुद का यहाँ पर फोटो लगाया हुआ है अभी जस्ट क्लिक करके। तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से फ़ोटो खुद का लगा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं फोटो को और यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये था सेटिंग वॉलपेपर सेटिंग। अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।